देखिए क्या कह रहा है, 10 ईयर एगो ए फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड 10 ईयर हेंस, अच्छा अभी से 10 ईयर आफ्टर क्या हो रहा है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू, मैं एक्स ईयर ले लेते हैं, एक्स ईयर्स है ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में वाई ईयर्स। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो यानी कि दोनों 10 10 ईयर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, 10 10 सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, यही ना एज होगा इन दोनों का 10 ईयर एगो। क्या कह रहा है, ए फादर वाज 12 टाइम्स, ये जो फादर है, फादर जो है अपने सन का 12 टाइम्स है, एक्स माइनस 10 इक्वल टू में 12 y माइनस का 120। इसको इधर लेके आते हैं तो एक्स माइनस का 12 y और इधर ये माइनस वाले इधर जाके प्लस करो यानी 110 माइनस का आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फिर आगे क्या करें, 10 ईयर हेंस, अभी से 10 ईयर हेंस यानी कि दोनों में 10 10 ईयर एज बढ़ जाएगा और क्या कह रहा है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ट्वाइस एक्स प्लस 10 इक्वल टू में 2 y प्लस का 20। इसको इधर लाते हैं तो एक्स माइनस का 2 y ये 10 जाके तो सफेद रहेगा इक्वल टू में 10, इक्वेशन ये सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स माइनस का 12 y इक्वल टू माइनस का 110 और x माइनस का 2 y इक्वल टू में 10। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ साइन चेंज होता है माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस का 10 y इक्वल टू में इधर हो जाएगा माइनस का 120, माइनस में सटा देते हैं इसको, दे जाएंगे डिवाइड में तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है x माइनस का 2 y इक्वल टू में 10, x माइनस 2 y के जगह पे यहाँ 12 इक्वल टू में 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस का 24 इक्वल टू में 10, ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा तो x का वैल्यू 34। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या था, x ईयर में यानी कि 34 ईयर हो जाएगा, 34 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन y का वैल्यू 12, तो 12 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6।